हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली के उर्स पाक का आगाज होते ही पहले दिन आकर्षक आतिशबाजी के साथ ही शानदार कव्वाली का आयोजन हुआ। इस अवसर पर दर्शकों को आतिशबाजी का आकर्षक नजारा काफी लुभाया। दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित हजरत बाबा सैयद काबुली सरकार के 71वें उर्स पाक के मौके पर सालाना उर्स पाक कमेटी द्वारा शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके पहले दिन हुए आकर्षक आतिशबाजी के मनमोहन नजारों से दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसके साथ ही शानदार कव्वाली का आयोजन भी यहाँ पर किया गया। पहले दिन कव्वाली का राजा फाजिल साबरी के साथ सलीम साबरी कपासन का शानदार मुकाबला हुआ। इस मौके पर बाबा काबुली सरकार की दरगाह पर अपनी हाजिरी देने और शहर के लोगों को अपनी मुबारकबाद देने पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा और दुर्ग पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने इस एकता उर्स का सराहना की। इस मौके पर सालाना उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा ने आए हुए अतिथियों का सम्मान काबुली रत्न देकर किया। इस मौके पर सालाना उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा ने आए हुए मेहमानों का सम्मान किया। साथ ही इस मौके पर सालाना उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा, विधायक अरुण वोरा और पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दुर्ग में बाबा हजरत अब्दुल रहमान शाह काबुली का ये 71वां उर्स है और हर साल की तरह इस साल भी हमारा 4 दिवसीय प्रोग्राम है। पहले दिन 24 तारीख को हमारा संदल निकलता है, जो पूरे अपने शहर में घूमते हुए आखिर में दरगाह पहुंच के चद्दरपोशी करता है। उसके साथ ध्रुव ट्रांसपोर्ट कंपनी और पायल ट्रेवल्स का भी चादर साथ में निकलती है हर साल की तरह। और यहाँ 4 दिवस प्रोग्राम, पहले दिन संदल और 3 दिन लगातार कव्वाली होती है। ये आज नहीं, तकरीबन 71 साल से यही रिवाज चला आ रहा है और मुझे आज 26वां वर्ष है इस कमेटी के अध्यक्ष पद का निर्वाह करते हुए। और इसके साथ ही हमारे कंपनी पायल ट्रेवल्स और ध्रुव ट्रांसपोर्ट की ओर से हर साल की तरह इस साल भी 5 टाइम 3 दिवसीय लंगर का इंतजाम किया जाता है, जिसमें आसपास के और शहर के हजारों लोग, जितने भी लोग आए, कोई वहाँ से भूखा नहीं लौटता। और बाबा इतनी कृपा है कि आज तक इतने बड़े प्रोग्राम में इतनी भीड़ होने के बावजूद इतने संदल निकलते हैं लाइन से, लेकिन दुर्ग शहर में आज तक कोई हादसा, कोई जातिगत मामला कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब बाबा का करम है हम लोगों के ऊपर और हम चाहते हैं कि इसी तरह हर वर्ष ये प्रोग्राम अच्छे से और साफ सुथरे ढंग से निपटते रहे। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उर्स पाक कमेटी के द्वारा सद्भावना, भाईचारा और एकता का प्रतीक 71वां उर्स बहुत ही उत्साह से मनाया जा रहा है, जहां पर न केवल दुर्ग बल्कि पूरे प्रदेश के कोने कोने से और न केवल प्रदेश बल्कि देश के कई स्थानों से लोग यहां आ रहे हैं और बाबा के सामने जो प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना उनकी पूरी हो रही है। क्योंकि ये ऐसा धर्म स्थान है जहां, और छत्तीसगढ़ हमारा ऐसा प्रदेश है जहां विभिन्न जाति, धर्म और भाषा के लोग एक साथ रहते हैं, सब में सद्भावना है, भाईचारा है, एकता है और सब मिलजुल कर जो सद्भावना है, भाईचारा है, उसको मजबूती देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे सभी धर्मों में सबकी भावनाओं का सम्मान होता है, वैसे ही हम सबका सम्मान करें और अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करें। मौका दिया इस उर्स के पर्व में जहाँ हजारों की संख्या में सभी धर्म के लोग आए हैं, मैं बाबा से आशीर्वाद को शांति का टापू बनाकर रखें। पुलिस किसी भी धर्म और जाति पर भेदभाव ना करके सबको बराबरी का न्याय दिला पाए, यही हमारी कोशिश है। जो भी कानून को तोड़ेगा उस पर हम कार्रवाई करें और सभी लोगों को आगे आना चाहिए। कोई कानून तोड़ता है वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, हमें उसको सजा देनी चाहिए। और निश्चित रूप से इस बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, 70 वर्षों से बन रहा है, इसका मतलब है कि लोगों की आस्था है और बाबा के आशीर्वाद से लोगों की जिंदगी में अंग शांति आ रही है। तो दोबारा आप लोग एक बार बाबा को याद करें और जो उनके सिद्धांत हैं उनको आप लोग पालन करें। और अपने आशा रखता हूँ कि आपके परिवार में और समाज में शांति कायम रहे। शुक्रिया, मैं अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा जी से गुजारिश करूंगा कि बहरहाल इस सालाना उर्स का आगाज
आतिशबाजियों के साथ हुआ है। साथ ही कव्वालियां भी लोगों को काफी लुभा रही है। उर्स के आखिरी दिन लंगर का भी अहतमाम किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।